नमस्कार दोस्तों। तो Xiaomi वालों ने मतलब वही Redmi, Poco सभी तो सेम ही चीज है। तो Redmi वालों ने तीन स्मार्टफोन आज लॉन्च कर दिया है, Redmi K70E, Redmi K70, Redmi K70 Pro। अभी जो Redmi K70 जो कि इंडिया पे आएगा Poco F6 नाम से, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, क्योंकि वो स्मार्टफोन होगा 30,000 रुपए पे स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 वाला स्मार्टफोन। एक डिटेल वीडियो बना दिया, आई बटन में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे Redmi K70E जो कि काजर की इंडिया पे आएगा Poco X6 Pro नाम से। तो इस फोन के अंदर हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा और क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा कि नहीं, इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट्स चैनल पे नए हैं और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते तो गैजेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं जो Redmi K70E पीछे से दिखने में एग्जैक्टली ऐसा, पीछे का जो मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली ग्लास बॉडी। ये जो फोन आपको टोटल तीन कलर पे मिलेगा, ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन। फोन का थिकनेस है 8.05 मिलीमीटर और वेट है 198 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इससे मिलेगा 6.67 इंच 1.5K 120Hz 12-bit सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 360Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 1920Hz का PWM डिमिंग रेट, 1800 nits का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन में आपको मिलेगा डॉल्बी विजन और HDR10+ दोनों का सर्टिफिकेशन, और इसके अलावा आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास का भी डिस्प्ले प्रोटेक्शन। तो मतलब हम ये चीज कह सकते हैं जिस प्राइस पॉइंट में इंडिया पे आने वाला है, इससे बेटर डिस्प्ले अभी तो कोई भी पॉसिबल नहीं। प्रोसेसर में आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर, जिसके साथ आपको मिलेगा 5000 मिलीमीटर स्क्वायर के आसपास का वेपर कूलिंग चेंबर, और ये जो प्रोसेसर इसका Antutu स्कोर है 15 लाख से भी ज़्यादा। कैमरे के मामले में आपको इसे मिलेगा 64, 8 और 2 का रियर कैमरा, उसके साथ ये 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसके रियर कैमरे के साथ होगा OIS का ऑप्शन। ये जो फोन काजर के टोटल तीन वेरियंट पे आएगा, 12 256GB, 12 512GB और एक 16GB और 1TB स्टोरेज ऑप्शन पे मिलेगा। रैम का क्वालिटी है LPDDR5X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 4.0 और उसके साथ कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5500mAh बैटरी, उसके साथ 90 वाट का चार्जिंग सिस्टम और कनेक्टिविटी USB Type-C। वैसे इसके बैटरी और चार्जर को प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें आपको मिलेगा P2 फास्ट चार्जिंग चिप और उसके साथ G1 बैटरी मैनेजमेंट चिप। तो इसके साथ अगर हम इसे कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5 जैक मिलेगा कि नहीं कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, डुअल स्पीकर और इसके साथ हमें मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर हम इसके सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे मेन चीज किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुआ है, तो देखिए ये जो स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च है, मतलब इसका जो स्टार्टिंग 12 256GB वेरिएंट, ये चाइना पे लॉन्च हुआ है एग्जैक्टली 2001 पे। और हमने इससे पहले बहुत बार देखा है, जब भी कोई स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च होता है 2001 के आसपास, हमने जो मोटोरोला के स्मार्टफोन के साथ भी देखा है, सेम फोन इंडिया पे लॉन्च होता है वही 27-28 हज़ार के आसपास और कभी कभार 25 हज़ार के आसपास भी लॉन्च होता है। तो इसका मतलब ऑफिशियली डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा वाला Redmi K70E या फिर जिसका दूसरा जो नाम होगा Poco X6 Pro इंडिया पे लॉन्च होगा 25 से 27 हज़ार के आसपास इंक्लूडिंग ऑफर। तो अभी हार्डवेयर से देखेंगे क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट अंदर का सबसे बेस्ट डिवाइस है या फिर इससे बेटर दूसरे की जो अवेलेबल है। तो देखिए अगर अभी 25 से 27 हज़ार के प्राइस पॉइंट में देखेंगे, नो डाउट इससे बेटर स्मार्टफोन और कोई भी पॉसिबल नहीं। मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। तो अगर हम डिस्प्ले की बारे में बात करें, पहली बात तो इस प्राइस पॉइंट में कोई भी ब्रांड आपको 1.5K डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करेगा, मतलब इस मामले में नंबर वन। प्रोसेसर की अगर बात करें, इस प्राइस पॉइंट का अभी के टाइम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है डायमेंसिटी 8200 जो कि हमें iQOO Neo 7 पे मिलेगा, और इसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा, मतलब नो डाउट बहुत ही बढ़िया। कैमरे की अगर बात करें, मुझे थोड़ा सा एवरेज लग रहा है, जैसे पिछले साल Poco F5 का था एग्जैक्टली इसका भी कैमरा होगा एवरेज। रैम और रोम का जो कॉम्बिनेशन प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट, और उसके साथ LPDDR5X और UFS 4.0 का कॉम्बिनेशन, मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस इस फोन में आपको मिलेगा। 5500mAh बैटरी, 90 वाट का चार्जिंग सिस्टम जो कि प्राइस पॉइंट के अंदर का डेफिनेटली सबसे बेस्ट है, और प्राइस आपको कितने मिलेगा 25 से 27 हज़ार के आसपास इंक्लूडिंग ऑफर। तो मैं देखिए वीडियो का आखिर में ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आप 2 महीना वेट कर सकते, अगर आपका बजट है 30,000 के नीचे, मतलब मैक्सिमम 30,000 के नीचे कोई नया स्मार्टफोन लेना, तो मेरे ख्याल से Redmi K70E या फिर जिसका दूसरा नाम होगा Poco X6 Pro इससे बेटर स्मार्टफोन और कोई भी पॉसिबल नहीं। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि ये जो नया स्मार्टफोन जो आने वाला है, तो क्या आप इस प्राइस फोन में से लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस के लिए आप वेट करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मिलते अगली वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड, ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।